अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ेक्टिव डोमेन क्या है। सो इफ़ेक्टिव डोमेन हमारे इमोशंस को डील करती है और इमोशंस में आने वाली चीज़ें हैं फीलिंग्स होगी, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन और एटीट्यूड। अब ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इंटरनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को हम देखते हैं, वो हमें अच्छी लगती है तो अच्छा फील करते हैं, उसको अगर हम अच्छा जानते हैं तो उसको अच्छी वैल्यू देते हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं। कोई अगर आर्ट बना रहा है और अच्छा आर्ट बना रहा है तो हम उसको दिल ही दिल में अच्छा समझ रहे होते हैं। उसके बाद ये मोटिवेशन का भी काज बनता है, मीन्स के जब आपको कोई चीज़ अच्छे तरीके से बताई जाती है, समझाई जाती है या आपको अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो आप वहाँ से बहुत चीज़ें गेन कर रहे होते हैं। सो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का कॉज बन रहा होता है। उसके साथ साथ एटीट्यूड्स जो हैं उन पे भी अमल दखल होता है इसका। अब एटीट्यूड्स और बिहेवियर में ज़रा फ़र्क इतना है कि एटीट्यूड्स जो हमारा इंटरनल जो हम किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं वो एटीट्यूड होता है, और जब उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी चीज़ हमारे अंदर एक दफ़ा समा जाती है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। इब्तदा में इस डोमेन पे काम करने वाले शख्स का नाम ब्लूम्स था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव आता रहा और एक और एजुकेशनिस्ट जिनका नाम डेविड रथवॉल था, उन्होंने अपनी सर्विसेज इस डोमेन में पे की और आज वो इसके बानी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमने कॉग्निटिव डोमेन्स में लेवल्स देखे थे, बिल्कुल इसी तरह इस डोमेन में भी जो लेवल्स हैं वो 5 लेवल्स हैं और इन तमाम लेवल्स को 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। इफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले आने वाले लेवल का नाम रिसीविंग है। इसके कुछ कीवर्ड्स देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिसीविंग कैसे होती है। सबसे पहले चीज़ जो है वो एक्नॉलेज है, एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि किसी चीज़ का फहम होना कि क्या चीज़ होने वाली है। अब किसी स्कूल में कोई लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उसको पढ़ाया जाने लगा है, तो वो तैयार होता है उस हिसाब से। उसके बाद उसकी लिसनिंग होती है, मीन्स कि कोई चीज़ भी डिलीवर की जाएगी वो उसको लिसन करेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अटेंटिव हो और अटेंटिव हो के ही उसको उस चीज़ की समझ आ सकेगी, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं। यानी रिसीविंग में बच्चे ने सुनना होता है और उसको अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट आने वाला लेवल हमारे पास रिस्पॉन्डिंग का लेवल है। इसमें ऐसा होता है कि जो आपने फर्स्ट लेवल जो कि रिसीविंग में आपने अंडरस्टैंडिंग की थी उसको डिलीवर करना होता है, और ये सिंपल क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी किया जा सकता है। यानी कि टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है और उसका जब रिप्लाई आता है स्टूडेंट की तरफ से तो ये रिस्पॉन्डिंग में आता है। अगर कोई असाइनमेंट वर्क या प्रेजेंटेशन दी जाती है, चूँकि वो भी एक टास्क होता है, उसको भी जब पूरा किया जाता है तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि आपने इनपुट दी है और स्टूडेंट ने उसका भी आउटपुट देना है तो वो आउटपुट हमेशा रिस्पॉन्डिंग की सूरत में देगा। तीसरे नंबर पे आने वाला लेवल वैल्यू है, जिसको हम अगर आसानी से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ये एक कमिटमेंट है कि कोई भी जो फिनोमेना होगा उसको हम कितनी कमिटमेंट के साथ लेके चल रहे हैं, ये वैल्यू कहलाता है। लेवल में बच्चे की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कमिटमेंट देखी जाती है। मिसाल के तौर पर हुब्बुल वतनी के बारे में अगर वो कुछ पढ़ता है, रिसीविंग उसकी होती है, फिर वो रिस्पॉन्ड भी करता है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसके अंदर एक जो जज्बा पैदा होता है, जो कमिटमेंट, जो एसोसिएशन पैदा होती है उस हुब्बुल वतनी से, तो वो उसको वैल्यू देता है, उसको अपने एक लाइफ का पार्ट बनाता है। इसके बाद आने वाला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से उनको कंपेयर करते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को अगर उसका जो लाइफ प्लान है उसमें उसने आगे बढ़ना है तो अपनी इंटरेस्ट को, अपने बिलीव्स और एबिलिटीज सबको इस तरह बैलेंस करना है कि उसका एक प्रॉपर लाइफ प्लान बन सके। लास्ट में आने वाला लेवल करेक्टराइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि किरदार साजी। अब जब कोई इनपुट दी जाती है तो बच्चों से आउटपुट भी ली जाती है, और इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद बच्चे की किरदार साजी होती है। यानी कि उसने जो चीज़ ली, उसको ग्रैब किया, उसकी जो उसके साथ एसोसिएशन बनी, और एसोसिएशन के बाद
जिस तरह उसने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, अब वक्त आन पहुंचता है कि उसको परफॉर्म किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा गया है, तो अब ये वक्त आ चुका है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये तमाम चीज़ें एफेक्टिव डोमेन को डिफाइन करती हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें तो इसके 5 स्टेप्स हैं। रिसीविंग, जिसमें बच्चे को विलिंगनेस बनाया जाता है कि वो कोई चीज़ सीखे, सुने या उसको समझे। जबकि रिस्पॉन्डिंग में उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो के रिएक्ट कर सके किसी चीज़ को, और उस चीज़ को जब वो वैल्यू देता है तो उसकी कमिटमेंट ज़ाहिर होती है, तो इसको वैल्यू का नाम दिया जाता है। और चौथे नंबर पे आने वाले जो हमारा स्टेप है या लेवल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है। और आखिर पे इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।